श्री राम, जय श्री राम। दक्षिण में लिखी गई राम कथाओं में महर्षि कम्मन की राम कथा है इरावतारम, इराम अवतारम। उसमें बहुत अद्भुत प्रसंग है जो वाल्मीकि रामायण तुलसी रामायण में नहीं है। जब राम ने लंका विजय के लिए रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की, आपको पता होगी द्वादश ज्योतिर्लिंगों में है वही रामेश्वरम जहां हमारी भारतीय वैज्ञानिक चेतना का बड़ा ऋषि एपीजे अब्दुल कलाम कब्र में आराम फरमा रहा है, वही रामेश्वरम। जब उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की तो उन्होंने कहा कि आसपास कोई आचार्य ढूंढ के लाइए, कोई पुजारी कोई ब्राह्मण ढूंढ के लाइए जो मेरा यज्ञ करा दे। तो जामवंत ने कहा कि महोदय इस जंगल में समुद्र तट पर केवल पेड़ हैं, वनवासी हैं, हम में से तो किसी को पता नहीं है। तो उन्होंने कहा आचार्य ऐसा लाइए जो शैव और वैष्णव परंपराएं दोनों का सम्मिलन हो, जिसे दोनों चीजें आती हों। तो जामवंत ने कहा कि ऐसा तो एक ही आदमी है पर वो हमारा शत्रु है, पुलस्त मुनि का नाती है, वैष्णव है और शिव का भक्त है, दोनों परंपराओं का पोषक है और कर्मकांडी है, सब जानता है। तो राम ने कहा कि एक बार जाके देखिए, बात करके देखिए। तो ये इरावम तारम में कथा आती है, कितनी अच्छी है। दुश्मन भी हो तो ऐसा हो, सामने वाला भी हाथ में आंख में पानी नहीं, हाथ में खंजर नहीं आंखों में पानी चाहिए, राहत भाई का शेर है। हाथ में खंजर नहीं आंखों में पानी चाहिए, ए खुदा दुश्मन भी हमको खानदानी चाहिए। तो रावण जैसा आचार्य जामवंत जब लंका पहुंचे राम के कहने पर, महर्षि कम्मन लिखते हैं कि ये बात रावण को पता चली कि जामवंत आए हैं। जामवंत उनके पितामह के दोस्त रह चुके हैं तो उनको लगा कि मेरे बाबा के दोस्त हैं तो आदर करना चाहिए। उसने राक्षसों से कहा कि मेरे महल तक का रास्ता बताने के लिए उन्हें कष्ट ना हो, हर जगह राक्षस हाथ जोड़कर खड़े हो जाए और जिधर की तरफ इशारा कर दें उधर जामवंत चलें। कथा आती है कम्ब की रामायण में महर्षि कम्बन की कि जामवंत चूंकि शरीर आकार बड़ा था उनका तो उनको रास्ता दिखाते दिखाते रावण के पास तक ले गए। उन्होंने रावण ने उन्हें प्रणाम किया, खड़े होकर पैर छुए और कहा कि मैं आपका स्वागत करता हूँ राक्षस राज रावण, किस लिए आप आए हैं? तो उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि मेरे यजमान की आप आचार्य बन जाए। तो उसने कहा कि स्वीकृति से पूर्व मुझे विचार करना पड़ेगा और विचार में देरी लगेगी, तो अगर आप आसन ग्रहण कर लेंगे तो अच्छा होगा, मैं भी बैठ पाऊंगा। जामवंत बैठ गए। रावण ने पूछा कि आपका यजमान कौन है? तो जामवंत ने कहा कि अयोध्या के राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम मेरे यजमान है और वे यज्ञ करना चाहते हैं, भगवान शंकर के विग्रह को स्थापित करके शिवलिंग को पूजा करना चाहते हैं अपने एक बड़े काम के लिए। तो रावण ने पूछा क्या ये बड़ा काम लंका विजय तो नहीं? जामवंत ने कहा आचार्य आप ठीक समझ रहे हैं, ये लंका विजय का यज्ञ है, तो क्या आप आचार्य पद स्वीकार करेंगे? रावण भी प्रतिभाशाली था, उसे पता था कि कौन व्यक्ति आया है मुझे आचार्य बनाने के लिए, इतना बड़ा अवसर मिल रहा है। उसने कहा कि मैं उनके विषय में ज्यादा नहीं जानता लेकिन वे दूतों के प्रतिपालक हैं, वे अपने दूत को बहुत अच्छी तरह रखते हैं और ऐसे मर्यादावादी यजमान का आचार्य बनना मुझे स्वीकार है, जाकर उनसे कह दीजिए कि मैं आऊंगा। यह है रावण जिसके घर में मां सीता सुरक्षित नहीं, शील के साथ सुरक्षित नहीं, यह है रावण। उस समय का शत्रु भी कैसा है राम का। तो जामवंत ने पूछा कि क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्या क्या सामान मंगाने पड़ेंगे? तो आचार्य रावण ने कहा कि क्योंकि हमारा यजमान वनवासी है और अपने घर से बाहर है, इसलिए शास्त्र की परंपरा है कि अगर यजमान का घर ना हो, बाहर कहीं पूजा करानी पड़े, तो सारी चीजों की तैयारी आचार्य को स्वयं करनी होती है। तो आप कह दीजिए अपने यजमान से कि वो केवल नहा धोकर स्नान करके व्रत के साथ तत्पर रहे, मैं सब चीजें कर दूंगा। अब उसने अपने लोगों को बुलाया और कहा कि भाई पूजा कराने के लिए जाना है, ये सब सामान तैयार करो। इसके बाद रावण एक रथ लेकर मां सीता के पास गया और सीता से उसने कहा कि समुद्र पार तुम्हारे पति और मेरे यजमान राम ने लंका विजय के लिए एक यज्ञ आयोजित किया है और मुझे उस यज्ञ के आचार्य के रूप में बुलाया है। अब चूंकि जंगल में रहने वाले किसी भी यजमान की सारी व्यवस्था करना आचार्य का काम होता है, इसलिए उसकी अर्धांगिनी की व्यवस्था करना यह भी मेरे जिम्मे है।
तो ये रथ खड़ा हुआ है, ये पुष्पक विमान है, तुम इसमें बैठ जाओ, लेकिन तुम ध्यान रखना वहां भी तुम मेरी ही सुरक्षा में हो, मेरी ही कैद में हो, और मैं आचार्य रावण तुमसे ये कहता हूं कि तुम मेरे यजमान की अर्धांगिनी के नाते, अर्ध यजमान के नाते इस पर बैठ जाना। कम्बन राम कथा में प्रसंग आता है कि यह सुनकर देवी सीता ने रावण को आचार्य कहकर प्रणाम किया, जो आज्ञा आचार्य। और अगली बात सुनिए, और उनके प्रणाम करने पर उसी रावण ने देवी सीता को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। तो जब रावण पहुंचा राम के पास आचार्य बनकर, आचार्य रावण जब पहुंचे तो दोनों भाइयों ने उठकर आचार्य को प्रणाम किया और कहा कि आचार्य मैं आपका यजमान राम आपको प्रणाम करता हूं, मैं लंका विजय के लिए एक यज्ञ कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि यहाँ के शिव का विग्रह स्थापित हो ताकि देवाधिदेव महादेव मुझे आशीर्वाद दें कि मैं लंका पे विजय प्राप्त कर सकूं। ये लंकेश से कह रहे हैं रावण, लेकिन आचार्य रावण से कह रहे हैं। आचार्य ने कहा कि मैं आपके यज्ञ को पूर्ण तरह संपादित करूंगा और ईश्वर महादेव चाहेंगे तो आपको उस यज्ञ का फल प्राप्त होगा। ये रावण ने कहा। तैयारियां शुरू करिए, तो बताया कि हनुमान गए हैं शंकर का विग्रह लेने के लिए, शिवलिंग लेने के लिए। अब हनुमान गए हैं तो ये भी पता नहीं कि वो महादेव को डायरेक्ट लाएंगे या कोई शिवलिंग लेके आएंगे, क्योंकि हनुमान की तो इस चीज में एक्सपर्टीज है कि उन्हें दवाई मंगाने भेजो तो मेडिकल स्टोर ले आते हैं उठा के। तो आचार्य रावण ने कहा कि पूजा में देरी संभव नहीं है, मुहूर्त नहीं टल सकता, इसलिए आप बैठिए, आपकी धर्म पत्नी वे कहाँ है उन्हें बुलाइए। तो राम ने कहा कि आचार्य मेरी धर्म पत्नी तो उपस्थित नहीं है यहाँ पर, तो ऐसी कोई शास्त्रीय विधि हो जिसमें उनकी अनुपस्थिति में ये यज्ञ हो जाए। तो रावण ने कहा यह संभव नहीं है, केवल तीन प्रकार से इसकी अनुमति है। एक, या तो आप विदुर हो, आपकी पत्नी नहीं हो। दूसरे, आप अविवाहित हो, आपका विवाह नहीं हुआ। और तीसरे, आपकी पत्नी ने आपको त्याग दिया हो। क्या तीनों स्थितियां हैं? तो राम ने कहा तीनों स्थितियां तो नहीं है। अब राम ये कैसे कहें कि आप ही हैं उसके कारण, क्योंकि वे तो आचार्य हैं। तो जामवंत ने कहा कि आचार्य फिर इसकी क्या व्यवस्था है? तो उन्होंने कहा कि जब कोई यजमान जंगल में हो और उसके पास यज्ञ को पूरा करने के समस्त साधन ना हो तो आचार्य की जिम्मेदारी होती है कि वो यज्ञ के साधन उपस्थित कराए। तो आप विभीषण को और अन्य अपने मित्रों को भेज दीजिए, मेरे यान में अर्ध यजमान सीता बैठी हुई है, उन्हें बुला लाइए यहाँ। ये इरावतारम, इरारामावतारम में जो कम्बन के लार रखी उसमें प्रसंग है। उसके बाद पूजन हुआ, विधिवत पूजन हुआ, माँ सीता ने अपने हाथ से ही वो शिवलिंग स्थापित किया जो आज भी वहां लंकेश्वर का शिवलिंग वहां पर मौजूद है, जिसके बारे में कहते हैं कि जब रामेश्वरम में कहते हैं कि जब हनुमान अपना शिवलिंग उठा लाए एक और हनुमान ने कहा इसे हटाओ मैं भी लगाऊंगा, तो राम ने कहा कि जो लगाए लगने दो। जब हनुमान नहीं माने महाराज मैं तो लेके आया हूँ, तो राम समझ गए कि इन्हें थोड़ा सा अपने बल पर अहंकार आ रहा है, तो राम ने कहा इसे हटा लो। और सुनते हैं कि पूरा हनुमान ने जोर लगाया, वो शिवलिंग नहीं हटा, इसलिए राम ने फिर वरदान दिया कि तुम्हारा शिवलिंग भी यहाँ उपस्थित रहेगा। जो रामेश्वरम में उनके द्वारा स्थापित भी एक शिवलिंग है जो हनुमान, हनुमानेश्वर के नाम से जाना जाता है कि हनुमान के द्वारा स्थापित। यज्ञ संपन्न हुआ और दोनों यजमानों ने, राम और सीता ने, आचार्य रावण को प्रणाम किया। तो राम ने पूछा कि आचार्य आपकी दक्षिणा? तो आचार्य ने कहा कि आप वनवासी हैं, मैं जानता हूं कि आपके पास कोई दक्षिणा नहीं है और आप मुझे दक्षिणा नहीं दे सकते, और स्वर्णमयी लंका के राजा आचार्य को आप क्या दक्षिणा देंगे, इसलिए मेरी दक्षिणा आप पर रही। राम संकोच में पड़ गए। राम ने कहा कि दक्षिणा रही तो आप बता दीजिए ताकि मैं विधिवत तैयारी रखूं, कभी मैं देने योग्य बन पाऊं आपको। तो क्या रावण ने दक्षिणा मांगी? राम ने कहा आचार्य होने के नाते मैं आपसे दक्षिणा मांगता हूं कि जब मेरा